जो पीछे देने से पीछे आ जाओ राजू भी है राजू दार्जिलिंग का तो बड़ा मन है, बहुत कुछ भी जगह हमने था बदाम ने, लेकिन आई सॉ टू यू कि आप दार्जिलिंग जैसे एरिया से हमारे यहाँ राजस्थान में चलें, हम लास्ट सेंट्रल दिया अभी बहुत नहीं आया तो देख पूरा पूरा मैं मारूंगा कौन लेकिन वो जरूरी था सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए फौजी भाइयों के लिए भी जरूरी था कि हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करें। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि जब मैं घर से चली तो सिर्फ हम चार लोग घर से चले थे और जो मेरे साथ में काफिला चला है वो रास्ते में लगातार लोग जुड़ते गए और आते गए और लगातार मेरे पास चार दिन से कॉल आ रहे हैं कि दीदी आप अगर मुनाबाव जाएं तो हमें लेकर के जाइएगा। मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि हमारी ये जो मुहिम है ये हर उस घर उस ढाणी तक पहुंचे और ये जो भाईचारा है हमारे इस इलाके की जो खूबी रही है हमेशा से वो कायम रहे और कोशिश करूंगी उम्मीद रखती हूँ कि यही हमारा जो सिलसिला है ये ताउम्र कायम रहेगा। मैं 100 किलोमीटर लगभग आया गाड़ी में आया तो मैंने ये भी सुना है कि करीब 150-200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से बहनें भी आपके साथ पहुंची हैं। बिल्कुल यही तो खुशी की बात है कि बिना बुलाए अपने मन से लोग जुड़ रहे हैं और मन से यहाँ फौजी भाइयों को सलाम करने के लिए दिल से उनसे उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये रक्षा सूत्र जो है ये हम बहनों की ओर से फौजी भाइयों के लिए दुआ है उनकी हिफाजत के लिए और उनकी ओर से हम लोग एक
प्रण लेकर के उनकी ओर से भी हम ये विश्वास लेकर के जा रहे हैं कि वो हमारी रक्षा इसी तरीके से करते आएंगे जैसे वो हमेशा से करते रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे रक्षा सूत्र बांधते समय कि कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, हजारों किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर से भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे, कितनी खुशी हुई उन भाई सेना भाइयों को? देखिए मुझे लगता है कि हमारे फर्ज अपनी जगह हैं, लेकिन परिवार के जो रिश्ते होते हैं वो भी बहुत अहम होते हैं। तो सभी भाई यहाँ पर हैं, इतना दूर बॉर्डर पर, कहीं ना कहीं एक मन में जरूर इनके भी आता होगा कि काश हमारी बहनें यहाँ पर होती।